स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसकी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार में इस बार एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा है। एनडीए में बीजेपी और जदयू के अलावा हम पार्टी और वीआईपी शामिल रही। महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां शामिल रही। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इस बार तेजस्वी की सभा में जो नजारा दिखाए वो कभी नहीं दिखा। यह हार सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की भी हार है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। नतीजे साफ करेंगे कि चुनावी सेमीफाइनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रहता है या फिर विपक्ष ने सेधमारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उनमें फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मलहनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट भी शामिल है। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आज सामने आएंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवार मुकाबले में हैं और नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क लगाए मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। डाक मतपत्रों की गिनती और ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती साथ साथ चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बरौदा को बचाने में कामयाब होंगे या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बरौदा में कमल खिलने में सफल होंगे, इसका फैसला आज सामने होगा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच में माना जा रहा है। इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह और लोसुपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी कांग्रेस बीजेपी की हार जीत के गणित को प्रभावित भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकृष्ण हुड्डा यहां से 3 बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली थी। बरौदा से बीजेपी एक बार फिर से नहीं जीती थी। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब यह भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की सप्लाई बढ़ाई गई है। अब पलवल और सिरसा जिले में 8 की बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव में किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। कहा कि धान की खरीद बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है, हरियाणा के किसान सरकार से खुश हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के तय किए गए एमएसपी से भी किसान खुश हैं। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी भी मौजूद रहे। पराली मैनेजमेंट पर ओपी धनखड़ ने किसानों से बातचीत की है। मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात भी कही।
प्रदेश में दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर सरकार की तरफ से रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की इजाजत दे दी गई। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय भी जारी किया है। यह समय रात 11:55 से 12:30 तक रहेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने का संपूर्ण रूप से रोक लगा दी। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी ये रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों से लेकर किसी भी मौके पर पटाखों को फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने काशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 614 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मोदी ने इस दौरान बनारस एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का शुभारंभ करने के बाद कहा कि इस पैसेंजर सुविधाओं का विस्तार होगा। 6 साल पहले जहां बनारस से हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी, अब इसमें 4 गुना फ्लाइट्स भी चलेंगी। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना संकट में काशी ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि एक आटे की टक्कर है, जीत और हार का मार्जिन कम रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कुश्ती खेल का उदाहरण देते हुए दावा किया है कि पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। प्रदेश में युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिए जाने पर धनखड़ ने कहा है कि साझे की सरकार है तो क्रेडिट भी साझे का ही होगा। किसानों की जमीन पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि दादरी में किसानों की 46 एकड़ अधिकृत सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उपयोग नहीं आने पर किसानों ने जमीन वापसी की मांग की है, जिस पर जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों की मांग पर कष्ट निवारण की बैठक में संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 1 रुपया 10 पैसे प्रति गज के हिसाब से किसानों की 46 एकड़ जमीन अधिकृत की थी। पुंडरी में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर रविदास मंदिर में पहुंची कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं बना पाने के चलते ही प्रदेश में क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कैथल के आरके एसडी कॉलेज में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज और साथ ही कॉलेज कैंपस में बहुउद्देशीय कैफेटेरिया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने कॉलेज में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजी कोष से 5 लाख राशि कॉलेज को भेंट की है। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों को पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया। जिला गन्नौर में नकली घी, करियाने का मिलावटी सामान और मिलावटी मिठाइयां बेचने की शिकायतों पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी कर अधिकारियों ने 4 दुकानों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। जिले में अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जिले के अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर हो गए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने प्रदेश में कई मूल्यांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश भर में 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 6 मूल्यांकन केंद्र 10वीं और 12वीं के लिए स्थापित किए गए। इसी दौरान जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रीअपियर का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। ये परीक्षाएं प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित की गई थी। टोहारा में इंडिया न्यूज की हरियाणा की खबर का असर हुआ है। सरकार ने गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर संज्ञान लिया है। मार्केट सचिव सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने के लगे थे आरोप। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा है कि जब से हरियाणा में गौवर्धन कानून बना है, तब से गौ तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गौशालाओं में जैविक खाद से लेकर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। भिवानी में रोहतक गेट के पास बसी अवैध बस्ती को पुलिस के सहयोग से नगर परिषद ने हटा दिया है। नगर परिषद चेयरमैन के मुताबिक सभी को दूसरी जगह पर रहने की जगह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग नूह ने स्पेशल तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान चलाया। यह अभियान 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू और गुटखे का सेवन नूह जिले में किया जाता है। तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए शपथ दिलवाई गई है। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की बात कही गई। दीपावली से पहले भिवानी जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के चलते आसमान में चारों तरफ धुंध नजर आई। जिले में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर दीपावली पर कम से कम पटाखा जलाने का संदेश भी दिया जा रहा है। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोगों से पटाखा रहित दीपावली मनाने की अपील की है। उनका कहना है कि पटाखों से वातावरण दूषित होता है। विधायक घनश्याम ने आगे कहा है कि इस बार मिट्टी के दीप जलाकर दीपावली मनाएं और वातावरण को साफ और स्वच्छ रखें, जो कि पटाखे शरीर के लिए हानिकारक है। करनाल में दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों को यह भी कहना है कि दिए कम बिकने पर वो कम दामों पर दिए बेचने को मजबूर हैं। दीपावली पर दिए ना बिकने से परेशान किसानों ने भी कहा है कि लोग आधुनिक चकाचौंध में प्राचीन सभ्यता को भूल चुके हैं। इससे आने वाले समय में पारंपरिक प्रथा के खत्म होने का भी डर है। प्रदेश सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पराली न जलाने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। बावजूद इसके किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने किसानों को हिदायत दी है कि किसान कंबाइन से अपनी फसल की कटाई करवाता है और उनके साथ SMS मशीन का होना बेहद अनिवार्य है। अगर SMS मशीन कंबाइन के साथ नहीं लगाई जाती तो उस पर कार्रवाई और जुर्माना कराने का प्रावधान भी रहेगा। SMS एक मशीन होती है जो कंबाइन से कटाई करने के दौरान मशीन के साथ साथ अवशेष को बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देता है, जिससे किसानों को अवशेष जलाने की नौबत ही नहीं आती। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के विकास खंड पंचायत कार्यालय में शिकायत करने पहुंचा एक युवक ने खंड अधिकारी के साथ बदसलूकी की है। पीड़ित अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया है कि वह कुछ दिन पहले अपने गांव के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत लेकर आया था, जिस पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन फिर भी युवक ने उनके साथ बदतमीजी की। गोहाना के रभड़ा गांव में 31 अक्टूबर को शराब ठेकेदार रेसिया की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे और कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो मृतक ने गांव में ही शराब के ठेके रखे हुए थे, जिसे हथियाने के लिए गांव का ही रहने वाला अमित ने उसे ठेके छीनना चाहता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। करनाल में मेरठ रोड सेक्टर 6 चौक पर अज्ञात वाहन ने एक शख्स को कुचल दिया है। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स बिहार का रहने वाला था। हादसे के बाद सैकड़ों लोगों ने जाम लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। हालांकि आरोपी चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पास में लगे CCTV कैमरे में हादसे की पूरी तस्वीर कैद हो गई, जिसकी मदद से आरोपी चालक की तलाश भी की जा रही है। गनौर GT रोड पर बड़ी गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग के चलते चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। कार में आग लगने के दौरान चालक बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वो कार के अंदर पूरी तरीके से झुलस कर कंकाल में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार शख्स अपने पिता सुनील जैन को कार की सर्विस करवाकर लाने की बात कहकर घर से निकला था।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में बैठा वासु जैन अंदर ही पूरी तरीके से झुलस चुका था। पुंडरी में एक युवक के अपहरण के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने हथियारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष जाहिर किया है। मृत युवक के परिजनों का यह भी कहना है कि जब तक हथियारों को पुलिस नहीं पकड़ लेती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कुरुक्षेत्र से रादौर जा रहे पार्श्वद पर जानलेवा हमला हुआ है। बाल बाल बच्चों ये जान, दो कार से हमलावरों ने 3 राउंड चलाए गोली, गाड़ी में की तोड़फोड़। मेवात के मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन, कट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है हाईवे। प्रदेश में कोरोना के 2,427 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के चलते 1,919 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,151 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद ही डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 1,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 697 नए मामले सामने आए हैं। 534 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के चलते एक शख्स की हुई मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 570 नए मामले आए हैं सामने। कोरोना के चलते अब तक 262 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत में कोरोना के 80 नए मामले आए हैं, जबकि 86 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हिसार में कोरोना के 283 नए मामले सामने आए हैं। 186 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 152 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अंबाला में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। 30 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। कोरोना के 35 मरीज हुए हैं ठीक। करनाल में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। 35 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 240 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पानीपत में कोरोना के 52 मामले सामने आए हैं। 39 लोग ठीक हुए हैं। 107 मरीजों की हो चुकी है मौत। सिरसा के स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। बीते दिनों खैरपुर के राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब ये मामले 10 तक पहुंच चुके हैं। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को मंगलवार तक बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित बच्चों के संपर्क में आए 60 बच्चों के भी सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया है कि नियमों की अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन अब स्कूल में 107 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ गई। जुलाना जिले में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिले के मालवी गांव के स्कूल में 3 अध्यापकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्कूल में 3 अध्यापकों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है, और उसी के साथ ही स्कूल में किसी का कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया गया। पंचकुला में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना के चलते 117 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला सिविल कोर ने मामले की पुष्टि की। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल 2020 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। आईपीएल 2020 की ट्रॉफी के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में महामुकाबला होगा।